नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत है द प्यास एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमर्स का 11वीं क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट का जनरल प्रविष्टि अध्याय का प्रश्न नंबर 8वां। जी हां दोस्तों, प्रश्न नंबर 8वां बनाएंगे। दोस्तों पहले हम लोग क्या करते थे, जो पंजी प्रविष्टि करते थे वे सिंपल वाला था, ठीक है दोस्तों। पहले हम लोग क्या करते थे, सिंपल वाला पंजी प्रविष्टि करते थे, जनरल प्रविष्टि करते थे। पर अब क्या करेंगे, संयुक्त वाला। पहले क्या होता था, एक दिन में, मतलब एक दिन में सिर्फ एक मदे होते थे, एक ही लेखा होते थे। लेकिन अब जो प्रश्न पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, एक ही दिन में बहुत सारा व्यवहार हुआ रहेगा। जैसे कि एक तारीख को माल बेचा, माल खरीदा, माल लिया, इस तरह से व्यवहार हुआ रहेगा, ठीक है। तो उस व्यवहार को किस टाइप से पंजी प्रविष्टि किया जाता है वह हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले हम लोग सिंपल वाले कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे संयुक्त पंजी प्रविष्टि या फिर मिश्रित पंजी प्रविष्टि। तो मिश्रित पंजी प्रविष्टि या संयुक्त पंजी प्रविष्टि प्रश्न नंबर 8वां में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पास जो बुक पढ़ा रहा हूँ वो बुक है आपका नवबोध का बुक है दोस्तों, ठीक है, नवबोध का बुक है। इसी में क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 8वां जो है इसी को हल कर रहे हैं। तो देर न करते हुए चलिए पढ़ते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये तो शुरुआती है संयुक्त पंजी प्रविष्टि का, तो इसमें छोटा सा दिया हुआ है और छोटा सा हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग 8वां। मिश्रित प्रविष्टि कीजिए, मजदूरी दिया 400 रुपए का, वेतन दिए हैं 1000 रुपए का और किराया दिया 600 रुपए का। एकदम ये दोस्तों एकदम जल्दी से बन जाएगा, फटाक से बन जाएगा, ठीक है। ये छोटा वाला इसलिए ये है क्योंकि आप लोग को मिश्रित पंजी प्रविष्टि करने आता है कि नहीं आता है, इसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं प्रश्न नंबर 8वां। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ Q0A, ठीक है दोस्तों, Q0A मैंने लिख दिया प्रश्न का। और यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, मिश्रित पंजी प्रविष्टि कीजिए, मजदूरी दी। तो क्या करते हैं हम लोग, मजदूरी खाता विकलन, मजदूरी खाता विकलन कितने का मजदूरी दिए है दोस्तों, 400 रुपए का। तो हम लोग यहाँ पर विकलन में कर दिए 400 रुपए, ठीक है, और समापन में कुछ नहीं आता, ठीक है। अब क्या होगा, आपका मजदूरी दिए है, उसके बाद वेतन दिए है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग वेतन खाता, वेतन खाता क्या करेंगे दोस्तों, वेतन खाता विकलन, ठीक है, वेतन खाता विकलन खाता किसी में कुछ नहीं आएगा। और वेतन कितने का है, 1000 रुपए का, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग विकलन में 1000 रुपए, ठीक है, इसका भी लिख दिया। अब क्या दिया है आपको, उसी तारीख को किराया दिए है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग किराया खाता विकलन, ठीक है दोस्तों, किराया खाता विकलन भी लिख दिया और खाता पे कुछ नहीं होगा। किराया कितना का दिया है दोस्तों, 600 रुपए का, यहाँ पर लिख दिया अपन 600 रुपए, ठीक है, इतना हो गया। अब किनसे देंगे उनको पैसा, तो रोकड़ खाता से देंगे, यहाँ पर लिख दो अपन रोकड़ खाता से, ठीक है दोस्तों, रोकड़ खाता से लिख दिया। और समाकलन में कितना करेंगे, 1000 रुपए, 600, 400, 2000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपए पर समाकलन कर दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पर दिनांक वगैरह नहीं दिया, इसलिए मैंने दिनांक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग इसको टोटल कर देंगे, कुल कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कुल योग, ठीक है दोस्तों, कुल योग कितना होगा आपका, 2000 रुपए है, इधर होगा विकलन में और समाकलन में भी आपका हो जाएगा 2000 रुपए, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों आगे का जो प्रश्न है उसको हमको हल करना है। उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न सॉल्व हो गया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये प्रश्न नंबर 8 आप लोग को समझ में आ गया होगा, यह हमारा उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही जितने भी पंजी प्रविष्टि है, मिश्रित पंजी प्रविष्टि, उसको हमको हल करना है, सॉल्व करना है। तो आज का मेरा प्रश्न नंबर 8वां सॉल्व हो चुका है, चलता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रश्न के साथ।
तब तक के लिए अपने दोस्त मनोज कुमार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे।